तो पहले स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट और एल्टीट्यूड। ठीक है, सो देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। अर्थ कंसिडर करते हैं, जिसका मास तो हमें पता है अर्थ का मास कितना है। अर्थ का मास उतना ही यूज़ करेंगे जितना कि हम लोग सपोज करते हैं एम ई के बराबर, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बराबर है आर ई के। ठीक है भाई, और जो बॉडी है वो चली जाती है एच हाइट तक, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जिसे हम यहाँ पे डी से शो कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो हो जाएगा आर ई प्लस एच। यानी कि अगर किसी बॉडी को रख देते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर तो उसका सेंटर से डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, आर ई होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को एच हाइट तक ले जाएं तो जो सेंटर से डिस्टेंस है जिसको हम डी से शो कर सकते हैं वो हो जाता है बराबर आर ई प्लस एच के। तो इसी कंसिडरेशन के लिहाज से हमें ड्राइव करना है। सो हमें पता है वैल्यू ऑफ जी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ होती है कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, पिछले जो मास ऑफ अर्थ वाला हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें भी यूज़ हुई थी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। सेकेंडली हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्फेयर है जो अर्थ है और वो होमोजीनियस कंपोजिशन रखने वाला है, यानी कि जी किसी भी पॉइंट के ऊपर इन्वर्सली वेरी करता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू इट्स सेंटर। ठीक है, यानी कि वो हमेशा डिपेंड कर, देखो वैसे भी डिपेंड कर रहा है अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर ये एक होमोजीनियस स्फेयर है तो किसी बॉडी को अगर हम मूव कराएंगे ऊपर की तरफ तो वो यकीनन जो वैल्यू ऑफ जी है वो वेरी करेगी इस डिस्टेंस के, टोटल डिस्टेंस के स्क्वायर के, और वो भी कैसे डिपेंड करेगी, इन्वर्सली। तो टोटल डिस्टेंस फिलहाल हमने डी कहा हुआ है और डी एक्चुअली किसके बराबर है, आर ई प्लस एच के। सो एट डिस्टेंस आर ई प्लस एच क्या हो जाएगा, अगर हम जाते हैं ज़मीन से एच हाइट पर ऊपर तो जी डैश, जी की जगह पे जी डैश लिखेंगे। हमारे ऊपर जाने से कैपिटल जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारा डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से वो चेंज हो जाएगा, पहले आर ई था और अब हो जाएगा डी के स्क्वायर। उस डी के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर ई प्लस एच के स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अच्छा जी, तो अब हमें क्योंकि वेरिएशन स्टडी करनी है वेरिएशन ऑफ जी की विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, तो क्या करते हैं इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कराते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर वन बाय इक्वेशन नंबर टू, और सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने क्लियरली देखा ये तो कैंसिल हो गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नीचे बच जाएगा आर ई का स्क्वायर। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, ये आ रहा है जी अपॉन जी डैश के बराबर। और फिर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले होल स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा आर ई प्लस एच डिवाइड बाय आर ई का होल स्क्वायर जी अपॉन जी डैश, और फिर एलसीएम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आर ई अपॉन आर ई और एच अपॉन आर ई। सो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ को रेडियस ऑफ अर्थ से कैंसिल कर देते हैं, वन बचेगा और एच अपॉन आर ई एज इट इज़, तो ये हो जाएगा जी डिवाइड बाई जी डैश इज इक्वल टू वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब फॉर्मूला हमें वेरिएशन को स्टडी करना है, तो वेरिएशन को स्टडी करने के लिए जी डैश का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना विद रिस्पेक्ट टू जी, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे जी डैश ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा, और यहाँ का रेसिप्रोकल करने से मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा कि हमने उसकी पावर को ही नेगेटिव कर दिया, बात एक ही है। तो हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू। अब ये बात आप जानते हो कि हम लोगों को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, a प्लस बी होल क्यूब का, लेकिन अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं स्टडी करा होगा जिसमें पावर नेगेटिव में आए। सो वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट ईयर में आके आप लोग सीखेंगे भी, और वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन का तरीक़ेकार। ठीक है, एक फार्मूला है जिससे हम किसी भी पावर, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको एक्सपेंड करवा सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है वन प्लस एक्स, पहले होना चाहिए वन, फिर कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसका वेरिएबल हो गया x, और जो पावर है नेगेटिव वाली उसको हम n से शो करेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो बराबर होता है वन माइनस एन एक्स डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल वन के ही बराबर होता है। ठीक है, और फिर प्लस, अच्छा ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है ना, ये चलता भी ऑल्टरनेट साइन के साथ है, पहली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एंड सो ऑन। सो फॉर्मूला क्या चेंज होगा, फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल प्लस, अब n मल्टीप्लाई में आता है और n माइनस वन आता है, यानी कि सेम पावर लिखते हैं फिर उसमें से एक माइनस भी कराते हैं और x की पावर बढ़ती रहती है। देखो यहाँ पर x की पावर सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और फिर x की पावर 2 हो जाएगी, और इसी तरीके से अगला जो फैक्टर आएगा
वो एक्स की पावर थ्री का आएगा। अच्छा, और नीचे लिखा हुआ है टू का फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल का मतलब होता है टू इंटू वन, यानी कि जो अगला फैक्टर होगा वो क्या होगा, अगला फैक्टर होना चाहिए एन एज इट इज आएगा, फिर एक ब्रैकेट में आएगा एन माइनस वन, ठीक है, एक ब्रैकेट में तो यही आ जाएगा एन माइनस वन, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, उस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए एन माइनस टू, जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। और फिर अगला फैक्टर क्या होना चाहिए, अगला फैक्टर होना चाहिए एक्स की पावर एक और बढ़ेगी तो वह एक्स की पावर हो जाएगी क्यूब, और नीचे आएगा थ्री का फैक्टोरियल, और थ्री के फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, थ्री के फैक्टोरियल का मतलब होता है थ्री इंटू टू और इंटू वन, ठीक है। लेकिन वो हमारे काम का नहीं, वो बात अभी अगले स्टेप में समझ जाओगे। फिलहाल इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी मैथमेटिक्स में प्री इंजीनियरिंग वाले और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिहाज से हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो वन की जगह पे तो वन ही लिखा हुआ है, और जहाँ पे एक्स होना चाहिए वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है एच अपॉन आर ई, और जहाँ पर एन होगा वहाँ पर आ जाएगा टू। सो फॉर्मूले के मुताबिक वन एज इट इज़ माइनस, अब आना चाहिए एन, तो एन किसके बराबर है, एन बराबर है टू के, और फिर आ रहा है एक्स, एक्स हमारे लिहाज से बराबर है यहाँ पे एच अपॉन आर ई के, तो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो एच अपॉन आर ई डिवाइड बाई वन, वन का फैक्टोरियल मैंने बताया वन होता है, और प्लस यहाँ पर फिर एन की वैल्यू आई, एन की वैल्यू कितनी आ गई टू, और एन माइनस वन का मतलब हो गया टू माइनस वन, और एक्स के स्क्वायर का मतलब हो गया एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है, और टू फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया टू इंटू वन, एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला चलता रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक बात कन्फर्म है, एच जो है ना, जो हाइट है वो आर ई से बहुत बहुत कम है, अच्छी खासी कम है, यानी कि ये बात कन्फर्म है कि एच की वैल्यू आर ई से बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है, और ये बात शर्त भी है इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में। तो अगर बहुत छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड कराएं, यानी कि एच को आर ई से डिवाइड कराएं, तो आंसर छोटा आएगा, ठीक है, लेकिन अगर उसी छोटी वैल्यू का हम होल स्क्वायर कर लें तो आंसर और छोटा हो जाएगा, और वो इतना छोटा आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा जीरो के। और इसी तरीके से जो अगला फैक्टर आता उसके अंदर एच अपॉन आर ई की पावर क्यूब आ रही थी, तो वो और छोटा हो जाएगा, जो कि और ज़्यादा जीरो के करीब हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि आगे वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर होंगे, तो सारी जो एच अपॉन आर ई की हायर पावर्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, तो बचेगा क्या, जी डैश अपॉन जी, यहाँ पर आ जाओ दोबारा, जी डैश अपॉन जी, और इसको जब हमने एक्सपेंड करा तो ये किसके बराबर आ गया, वन माइनस टू एच ओवर आर ई के। बाकी जो हायर पावर्स आएंगी एच अपॉन आर ई की, वो इतनी छोटी होती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर होती हैं, तो उनको निगलेक्ट करेंगे। और फाइनली जी डैश का फॉर्मूला चाहिए, तो जी यहाँ पे जाके होगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच ओवर आर ई। और क्या नज़र आ रहा है इस इक्वेशन से, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एच, जितनी एच की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना वैल्यू ऑफ जी कम होती रहेगी, ठीक है, जितना एच की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना बड़ा आंसर वन में से माइनस होगा, और जितना बड़ा आंसर वन में से माइनस होगा उतना ही पॉइंट में कुछ आंसर आएगा छोटा, और वो छोटा आंसर जब जी से मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ेगी, यानी कि अगर जितना एच की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना जी डैश की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अच्छा जी, और हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट बढ़ाने से वैल्यू ऑफ जी कम होती रहती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाएं हाइट कितनी कवर कर लें, 1600 मीटर्स, लेट से हम अर्थ की सरफेस से इतना ऊपर चले जाएं, तो वहाँ की वैल्यू ऑफ जी हो जाती है 9.757 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्चुअली सरफेस पे कितनी होती है, 9.8। नाउ वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ को स्टडी करते हैं। लेट जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ जी, जी डैश के बराबर सपोज करेंगे जो डेप्थ डी के अंदर वैल्यू ऑफ जी होगी बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, और जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर ई माइनस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे कंसिडरेशन देख लेते हैं, पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होता है तो हमारा सेंटर से फासला जो है वो आर ई के बराबर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे रखा होता है, ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हम ए से चले गए बी पॉइंट की तरफ, यानी कि डेप्थ में चले गए अर्थ की। जब हम अर्थ की डेप्थ में चले गए तो यकीनन हमारा डिस्टेंस कुछ कम हो गया, अगर डेप्थ बराबर है डी के तो हमारा सेंटर से फासला कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर ई माइनस डी के बराबर, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस आर ई था टोटल, लेकिन क्योंकि अब हम डेप्थ में चले गए तो वो डिस्टेंस माइनस होगा, तो बाद में हमारा डिस्टेंस हो जाएगा आर ई माइनस डी। अच्छा जी, इसकी डेरिवेशन में ज़रा डेंसिटी ऑफ अर्थ को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो हमें पता है मास की वैल्यू होती है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि एम ई आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी, वी आर रॉ इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ विच इज़ सपोज टू बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, और हमारी कंसिडरेशन के मुताबिक जो डेंसिटी की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट,
सो वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ एक स्फेयर है, तो उसका स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है, रो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और क्योंकि बात हो रही है अर्थ की तो रेडियस भी आएगा अर्थ का, तो एम ई का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 πr² और आर ई का क्यूब। अच्छा, अब जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एम ई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 4/3 πr³। तो यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, अपॉन में लिखा हुआ है आर ई का स्क्वायर, तो देखो आर ई के स्क्वायर से 2 re कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऊपर 1 re बचेगा। ठीक है, और बाकी ये जी एज इट इज़ लिखा हुआ है, यानी कि हमने क्या करा, इस एम ई की जगह पे एम ई की वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, और जो कैंसिलेशन हो रही थी 2 re से 2 re कैंसिल, 1 re बचेगा, तो यहाँ बचेगा कैपिटल जी 4/3 ρ π r e। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें बता सकती है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर, यहाँ पर यानी कि पॉइंट ए पर। अच्छा, अब हम अगर डेप्थ डी में चले जाएं, तो सिर्फ मैंने बताया क्या डिफरेंस आएगा, ना कैपिटल जी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना 4/3 पे, ना अर्थ की डेंसिटी पे, ना पाई पे, सिर्फ जो पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ था आर ई, इस आर ई में फ़र्क पड़ेगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर ई माइनस डी, और बाकी जो वैल्यू ऑफ जी है उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही, तो जी की जगह पे लिखेंगे जी डैश, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ वेरिएशन को स्टडी करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कराते हैं, जी डैश की वैल्यू ऊपर, जी की वैल्यू नीचे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कराया, तो इक्वेशन नंबर 2 थी जी 4/3 ρ π r e - d, और वहाँ पे वैल्यू थी जी 4/3 ρ π r e, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचा, आर ई माइनस डी बचा और अपॉन आर ई बचा। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, क्लियर करके लिख दिया, जी डैश अपॉन जी बराबर है आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आर ई से आर ई कैंसिल, और डी अपॉन आर ई बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 - d/re जी डैश अपॉन जी, और क्योंकि हमें जी डैश का फॉर्मूला चाहिए, तो जी डिवाइड से यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ जाएगा जी डैश का, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/re। तो क्या बात साबित हुई, क्या बात ये साबित हुई कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होती है विद डेप्थ, जितना हम डेप्थ में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। तो समराइज हम क्या करेंगे कि चाहे हम हाइट पर जाएं, चाहे हम ये अर्थ की सरफेस है मिसाल के तौर पे, चाहे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएं, चाहे हम अर्थ से नीचे की तरफ जाएं, जो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर है 9.8, जो वैल्यू ऑफ जी है 9.8, वो सबसे ज़्यादा सिर्फ सरफेस पर ही होती है, ऊपर भी कम होती है और नीचे भी कम हो जाती है।